तो देखो यार, ये चीज तो सबको पता है कि BGMI App Store और Play Store पे जब तक नहीं आएगा तब तक ना हम लीगली यूसी परचेज कर सकते हैं या फिर हम यूसी ले ही नहीं सकते, और अभी किसी भी कंडीशंस में यूसी हम नहीं ले सकते। लेकिन अगर तुम लोगों को मैं बताऊं कि आज मैंने ट्रिक से आज अपने सेकंड अकाउंट में मैंने यूसी डाल लिया तो तुम लोग मानोगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जब मैं यूसी डाला तो एक रुपए तक मैंने अपने से नहीं दिए, सब चीज फ्री में हुआ, फ्री में ही यूसी आई। और इस चीज को, इस ट्रिक को मैं काफी टाइम यूज करके अभी बहुत सी यूसी लेने वाला हूं, तो आपसे को पहले तो एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये DY का अकाउंट है और मैं DY का अकाउंट में यूसी डाला क्योंकि इसको रीनेम करना है, इसको नेम को रीनेम करना है। जस्ट क्या है कि इसके फ्रेंड का अकाउंट है जिसका नाम विशाल था, अब यहाँ पे इसको DY Neonix DY लिखना है। अगर आप लोग यूसी पर ध्यान दोगे तो कल इसके अकाउंट में 0 यूसी थी और जस्ट मैंने आज बस रात के टाइम पे बैठा हुआ था तो 60 यूसी ऐड कर दिया इसके अकाउंट में। और ये ट्रिक मैं 3-4 बार करके इजीली 180 360 या फिर रॉयल पास लेने जितनी तक तो यूसी आराम से ही ऐड कर लूंगा, वो भी फ्री में। अब देखो किस तरीके से, फ्री के चक्कर में तुम उल्टी सीधी साइड्स पे मत चले जाना, ये सिर्फ और सिर्फ यूसी ऐड कर पा रहे हैं वो है सिर्फ और सिर्फ रूटर ऐप से, अभी कहीं से भी नहीं हो रहा यूसी ऐड। और यहाँ पे मेरी भी, मतलब मैं भी यहाँ पे लाइव करता हूँ, देख सकते हो काफी सारे लाइव कर रखे मैंने यहाँ पे। अब देखो बताता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे यूसी ऐड करना है। सबसे पहले आपको टास्क, डेली टास्क आएंगे और डेली स्पिन्स आएंगे, तो स्पिन्स भी करके आप लोग इजिली कॉइन्स अर्न कर सकते हो। और यहाँ पे डेली स्ट्रीम्स देख के देखो 35 मिनट, फिर उसका 60 मिनट, फिर अपडेट प्रोफाइल को करके भी आप लोग यहाँ से कॉइन्स ले सकते हो। मतलब छोटे छोटे टास्क होते हैं और जब आप लोग लाइक ऐसा फ्री बैठो तो ये स्ट्रीम किसी की भी चला के छोड़ दो, काफी टाइम तो मैं भी करता हूँ तो मेरी स्ट्रीम चला के छोड़ दो। देन अभी आपको एक प्रूफ दिखा दो जहाँ से मैंने यूसी ली, दिख रहा है रिडीम 17,000 कॉइन्स के आपको 60 यूसी, देखो रिडीम कॉइन फॉर BGMI। यहाँ पे डेट भी देखो 31 अगस्त 2022, यानी पिछले कल को ही मैंने शाम के टाइम पे 7-8 बजे तब मैंने इसको यूसी ऐड किया अपने अकाउंट में और सक्सेसफुली हो भी गया, 0 रुपए देके भाई फ्री में यूसी आ गई मेरे अकाउंट में। और अभी तो मैं और भी करने वाला हूँ ऐड, तो भाई जब तक चल रहा जल्दी से चलाओ और जाओ जल्दी से डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी रूटर ऐप की। और देखो रिडीम का ऑप्शन आ गया प्रोफाइल पे जाते ही, अब यहाँ पे रिडीम करने पे सारी गेम्स आ जाएंगी, मेरे को तो BGMI की चाहिए। और यहाँ पे मैं कैरेक्टर आई डालना हूँ DY का क्योंकि उसको रीनेम करना है उसके अकाउंट का, मतलब जो नेम को उसको रीनेम करना, तो मैं उसके लिए यूसी यहाँ से ऐड करता हूँ। और देखना कितनी आसानी से हो जाएगा, लाइक कोड़ा शॉप इन सब के तरह ही, मतलब एकदम से एकदम तेजी से हो जाता है, मतलब बिल्कुल सेकंड्स में लगाता। ये हो गया कैरेक्टर आईडी कॉपी के, यहाँ से आप इसे रिडीम करता हूँ। और ये देखो ये नाम था और ये देखो प्रोसेस कंप्लीट, एंड यहाँ पे वही 60 यूसी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई यहीं से लिया था। तो भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी रूटर ऐप की, और ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों जगह पे अवेलेबल है, तो जल्दी जाओ डाउनलोड करो, फुल मचा लो, जब तक यूसी मिल रही तब तक तो निकाल ही सकते हैं। खैर सामने कुछ बंदे और आज ना भाई पूरी की पूरी कैंपर लॉबी लगी है। चलो कैंप कर लिया भाई साहब, मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऊपर कोई बंदा है, मुझे लगा रूम में भाग गया होगा। अब मैं बोलता भाई एक काम कर, मेरे को AKM दे, AKM ग्लेशियर ग्रेड बनानी है क्योंकि अब जो DY का अकाउंट है भाई इसमें, मतलब मुझे मन कर रहा है बहुत ज़्यादा इसके अकाउंट से खेलने में क्योंकि इसके पास सारी, मतलब गन्स काफ़ी सारी अपग्रेड वाला, देखो AKM भी फुल मैक्स है भाई। अब मुझे मन कर रहा है DY के अकाउंट से ही खेलूँ, बट अब देखो आगे क्या होता है। खैर जैसे हम आगे जाते इधर तो काफ़ी अफेयर आ रहा था, एक फ्री का किल मिलता है, पता नहीं किसने किसको नॉक किया था, बट फ्री का किल जब तक मिले उठाओ यार। देखो फ्री की चीज़ें कभी छोड़नी नहीं चाहिए, जैसे यूसी अभी छोड़ा नहीं हम लोगों ने, वैसे अब किल्स भी नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे वो बॉट मारे चाहे कुछ भी मारे। खैर अब जैसे ही मैं आगे जा रहा था यहाँ पे मेरे को नो फुटस्टेप, घर में मुझे कोई फुटस्टेप दिख रहा था लेकिन बंदे की पैर की आवाज़ नहीं आती। थोड़ा बहुत आगे जाता हूँ, अपार्टमेंट से फायर आता तभी पता चलता भाई पीछे से एक बंदा निकला। और अब देखो ये कैंपिंग इसकी, कैंपिंग चल रही है भाई, रुक पर जाने दो भाई, भाई गलत लग लगी है नहीं है। मेरे पास सामान है, अब जो सामने बंदा था इसने नहीं मारा मेरे को, वो पीछे इम्पॉसिबल बिल्डिंग से एक बंदे ने मेरे को चिपका दिया M24 और अभी भी दिया जा रहा है। तो भाई मैं बोलता हूँ रुक जा तू बस, एंड उस वाली बिल्डिंग्स में आने में सही में डर लगता है मेरे को, बहुत ज़्यादा कैंपर होते हैं उसमें। ये खिड़की में बैठा ऊपर वाली, मेरे ऊपर वाली तो ना नीचे आ रहा हूँ मैं, गेट पर जल गया, चल ठीक मैं ऊपर ही हूँ, ऊपर आ रहा हूँ ना खिड़की से जंप कर। हाँ हाँ
थे हम तो बच जाएंगे। और लो भाई यहाँ पे भी इजी इसको फिनिश कर दे पूरी टीम को, एक एक करके सारे ही बंदे फैले हुए थे इसलिए डाउन देते हैं। और अब बारी थी भाई सामने जाने में और फिर से इस वाले घर में वो बंदा शायद से रिकॉल हो गया, फिर यहीं आके बैठ जाता। मैं बोलता भाई क्या करके मानेगा ये बंदा, अब तुम देखो जा रहे ऊपर जाते के साथ मौली लग गई थी उसे और भाग गया था पीछे। साउंड तो आ रहा है ऊपर से। भाई जैसे इन सर को हम फिनिश डालते हैं तभी मैं मुझे लगता है एक बंदा नीचे से आया, तो मैं एफपीपी करता हूँ, नहीं दिखता बट पीछे से अपार्टमेंट में दो तीन बंदे ओपन में पता नहीं क्या कर रहे थे, तो मैं इनको अब मारू किस तरीके से मुझे समझ नहीं आया, बट एक को काफ़ी डैमेज होता है, वो बंदा पीछे भाग जाता। तो अब बारी था डायरेक्टली रश करने का। और यार क्या लग रहा है भाई, ग्लेशियर 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 भाई साहब, ग्लेशियर M4 ग्लेशियर सूट एक्स सूट भी ग्लेशियर और ग्लेशियर AKM फुल में भाई नेक्स्ट लेवल भाई, मज़ा आ गया भाई, पूरा ग्लेशियर का कोम्बो के साथ भाग रहा हूँ मैं। खैर इसके पास ग्लेशियर हेलमेट है बट हेलमेट हाइड कर रखा मैंने। अब बारी है सामने वाले बंदों पे। बंदे यार मुझे लगता है भाई इसकी दोस्ती निभाते निभाते एक और बंधन के पीछे पीछे आ गया, लेकिन वो बॉट होता है भाई, वो क्या ही दोस्ती निभा रहा था, मतलब इसकी फुल स्पीड में वो टांग और लेके भागने लग गया ऊपर। मैं बोला भाई पहले तो खुद तो चल ले यार, उसको कहाँ लेके भागी रहा है यार, शायद गलती से हो गया होगा। अब जैसे मैं जाता हूँ अब मेरा दिमाग होता है इस पे कि अब इसको मारना है, लेकिन अभी मेरे साथ बहुत गंदा स्कैम होने वाला है। जितने मैं एम करता उतने में उसने M24 चिपका दी मेरे को, और अब दो तीन पड़ते के साथ वो पीछे हट जाता है। और अब इसके साथ अपना एक वॉर चलने वाला बहुत गंदे वाला, एक कैंपर को हम घुस के मारने वाले हैं, कैंपर हमारे पे नहीं चढ़ेगा हम उसके ऊपर चढ़ेंगे, तो देखते हैं भाई आज कौन जीतने वाला है। लेकिन उतने में मेरे को पता लगता है कि इधर एक किसी बंदे ने ड्रॉप मंगाया था और ड्रॉप मेरे सामने है, और ड्रॉप को पता है लूटा कौन है, बॉट लूट के गए हैं। और मतलब मैं बोला भाई क्या चल रहा है, और यही वो मतलब क्या बोलूँ यार, फालतू का Level 3 हेलमेट तो मतलब यार ये बॉट ड्रॉप को टच करते हैं और ड्रॉप में से जो भी Level 3 का चीज़ होती है वो उठा के लेके भाग आते हैं। और हुआ भाई ऐसी, मतलब यहाँ पे सिर्फ गन्स रखी हुई थी, बाकी हेलमेट वेलमेट सारे गायब थे। देखो हेलमेट और वेस्ट दोनों उठा के चला गया था बॉट, अब उसको मारा तो उसका हेलमेट भी टूट गया वेस्ट भी टूट गया, तो मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं उसमें। खैर इसके बाद वो अभी भी टक टक दिए जा रहा M24, लेकिन जैसे मैं आगे जाता हूँ थोड़ा मन करता है मैं टक से मारूँ इसको भी, तू ले पी का। अब वो बंदे समझ गया था, तो अब उसको कैंपिंग उसको मतलब भारी पड़ रही थी, तो अब वो कैसे तैसे वहाँ फिर बैठ गया, और अब कुछ कर नहीं सकते। तो अब आगे जैसे जाता हूँ फिर एक बंदे का हेड दिखता है मेरे को, देखो जरा देख लो भाई अभी अभी क्या करा जाए। खैर चलते हैं डायरेक्ट रश करने यार, अब क्या किल कर करके बैठे हैं ना। खैर मैं यहाँ पे चल देता हूँ इजी मारने, लेकिन मैं ध्यान से हट जाता है कि भाई जो मेरा टीममेट जो मेरे को साथ में कवर दे रहा है, पहला DY डिस्कनेक्ट किया फिर ये पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया। मैं बोला लो भाई तुम लोगों के चक्कर में ना मेरी अलग लग जाती है, मुझे लगता तुम लोग मेरे पीछे हो बट ये लोग एक्चुअल में पता नहीं कहाँ ही बैठे होते हैं। खैर DY एक्टिव हो गया था और अब आ गया था ये, और बारी थी सामने, अभी तक कैम्प कर रहा है बंदा ये देखो। अब इस पर एम की थी तो थोड़ा सोच समझ के आता, बट बस वही है ना कि कैंपर का दिमाग कैंपर तक ही चलता है, कैंपिंग तक ही चलता है। मैं DY को तो सामने सीधे भाग जियो तू, और सर मजा आ गया, मुझे मालूम था जैसे ही DY सामने भाग गया तो यहाँ से इसको दिख रहा था तो वो पक्का MK चलाएगा, और MK में इसने शायद 17-18 गोलियां वैसी चला दी, तो मैं समझ आ गया था अब ये रिलोड लगाएगा और नहीं तो गन चेंज करेगा। उतने मतलब घुस गया, एक HP भी मतलब इसने खाया नहीं, इजिली मार दिया। तो ये होता है कैंपिंग करो, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करो कि तुम्हारे लिए भी प्लान हम कर सकते हैं। खैर उसके बाद जैसे हम जाते हैं यहाँ पे एक बंदा बगी लाके गलती से ठोक देता है ये,
अब मैं भी शायद ये रिकॉल करना है आप उसके टीममेट को, अब भाग तो सकता नहीं था तो मैं डिवाइस बोलता भाई एक बार मोहली दे जरा, मैं जा रहा हूँ उसको मारने। अब ये पे अरे उधर गया अब इस बंदे को फटाफट से फिनिश डालते और सीधे भागता मैं घर में। मुझे डर लग रहा था कि भाई ये नॉक है तो इसका बंदा भी आसपास होगा और सही में इसका बंदा होता है। जैसे यहाँ पे मैं बगी में बैठता हूँ साइड वाले रिकॉल साइड से एक आवाज़ आती है भाई बाइक की। अब मैं बोलता हूँ फटाफट से ढूंढो इसे कहाँ गया, ये भगना नहीं चाहिए यहाँ से क्योंकि किल्स भी बहुत कम है अभी भी और अभी बहुत से किल्स निकालने हैं। तो डीवाई बोलता जल्दी से जाओ उधर से, घर के नीचे। अब आया तो था ये बंदा रिकॉल होने, लेकिन मतलब रिकॉल करने के लिए आया था, लेकिन अब ये रिकॉल होने के लिए बोलेगा क्योंकि भाई इसके पास भी शायद से वो स्टार या फिर वो स्क्रैप चाम ना हो, पता नहीं क्या। मतलब ऐसे ऐसे बंदे आ रहे हैं आजकल, मतलब रिकॉल आज यूज़ ही कौन करता आज के टाइम में। वो स्टार्टिंग में कोई मर गया तो मर गया, लेकिन उसके बाद तो शायद से मैंने देखा कि कोई बंदा रिकॉल यूज़ करता है। अब जैसे ही मैं ऐसे आ जाता हूँ इन अपार्टमेंट से मेरे को एक फायर आता और बंदे एकदम शांत बैठ गए हैं। भाई डीवाई बोला छत में, छत में। मैं बोल रहा भाई नहीं यार, मैंने छत में ही तो नेट डाला वो हील करने के लिए और हीलिंग की आवाज़ भी आ गई थी, हील कर रहा है। तो मैं बोलता यार हील कर रहा है यानी वो सीढ़ियों में आ गया इस बार। भाई ये समझ लेने का राजी नहीं हो रहा उतने में। अब देखना जरा कैंपिंग अपार्टमेंट तक तो ठीक था, जैसे यहाँ पर रुकता और सोचता चलो अपार्टमेंट वाले को मारते हैं, उतने में मुझे पता लगता है इनका टीम का बंदा एक पीछे भी है मेरे। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता हूँ और एम कहीं और चूक जाता है। मैं चला था उस बंदे को फिनिश करने, लेकिन इसका सही आइडिया मुझे लग नहीं रहा था कि ऊपर और भी बंदे होंगे और शायद से कोई मारने भी आएगा, क्योंकि जिस तरीके से बैठे हुए थे मुझे नहीं लगता कोई सामने से निकल के आने वाला है। तो मैं ही चल दिया ऊपर उसे चलो फिनिश डाल देता हूँ, बट सामने से ही आ गया। खैर वैसे भी अपार्टमेंट था और जब जब मैं अपार्टमेंट गया मेरा रिकॉर्ड रहा है कि अपार्टमेंट में पिटाई हूँ बस में। खैर जब कभी कार बच जाते हैं। खैर गाइस आपको वो ट्रिक कैसे लगे यूज़ कर लीजिए, उसे लाइक कमेंट करके बताना, जल्दी से नीचे कमेंट कर बताओ। लव यू गाइस, बाय बाय।